में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे जनपद महोबा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज स्वतंत्र देव सिंह ने महोबा जनपद पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत महोबा जिले में 431 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश ने सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। साथ ही 15 निकाह भी मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न कराए। सरकार की ओर से सभी नव दंपति को उपहार स्वरूप 51,000 रुपए की भेंट धनराशि दी गई। मुख्यमंत्री योगी जी की सबका विकास सबका साथ के तहत महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को अमली जमा पहनाने में जिला पंचायत सहित सभी विभाग अध्यक्षों ने बड़ी ही सफलता पूर्वक संपन्न कराया। आज सुबह से ही डाक बांगला मैदान में वर और वधु पक्ष के लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। विवाह के रजिस्ट्रेशन के बाद अनुसूचित जाति की 146, पिछड़ा वर्ग के 241, सामान्य वर्ग के 29 और अल्पसंख्यक समुदाय के 15 विवाह संपन्न हुए। इस दौरान बंद रहे नव दंपतियों ने कहा, यह सरकार की अच्छी पहल है, गरीबों के लिए सरकार सोच रही है। बुंदेलखंड सूचे में सूखे से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार ने हम गरीबों के बारे में सोचा है। समारोह में पत्रकारों से बात करते हुए बताया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कि लोगों में जागरूकता दिखी, जो लक्ष्य निर्धारित था उससे भी अधिक लोगों ने विवाह के लिए पंजीकरण कराया और आज 431 जोड़ों का सामूहिक वैवाहिक संस्कार संपन्न हुआ। सरकार सबके बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि 2022 तक प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचना चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। महुआ से जिला ब्यूरो चीफ संतोष कौशिक की रिपोर्ट। शादी समारोह हो रहा है, इससे क्या लाभ है आपको और क्या क्या वजह है समारोह का? मतलब बारात आदि तो खाना पीना लगता है, इसलिए बरकत तो हो गई, सरकार दे रहा है तो बरकत तो हो रही है। अच्छा, और खासतौर से आपके गांव में क्या स्थिति है किसानी की, आमदनी कैसी है आपके पिताजी की? कुछ नहीं है आमदनी, कुछ नहीं होता है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है तो क्या हो, कुछ नहीं होता है। ये जो समारोह है तो कितना लाभदायक है आप लोगों के परिवार के लिए? इस विवाह समारोह से लाभ है आपको? हाँ लाभ है। लग रहा है इस विवाह उत्सव में आकर के आपको? इस विवाह उत्सव में आकर के बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमारी फसलें जो सूख चुकी, मतलब पानी नहीं है, साधन नहीं है पानी का हमारे पास, तो जो गाय है गोभी जो खेती टूटी फूटी हो गई, वो गाय वगैरह चल लेती है, और जो है हमारा पैसा कुछ इसमें खर्च नहीं हो रहा है, ना लड़की पक्ष का कुछ खर्च हो रहा है, इसमें सरकार सारा भुगतान करती है। ऐसे में आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए इसमें धन्यवाद कहना चाहूँगा। निधि, ये जो कार्यक्रम है इसमें क्या लगता है सरकार कैसे खर्च कर रही है पैसा और आप लोगों को क्या लाभ है आपके परिवार को? थोड़ी देर में ले जाए, मंच पर बैठा दे रहे हैं। खेती पाती नहीं होती है, इसकी वजह से सरकार मदद कर रही है। आपके गांव की स्थिति और परिवार की स्थिति क्या थी, क्या कहेंगी? आज आपकी बहुत सारी बहनों की एक साथ शादी है, इसमें अच्छा लग रहा है, सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं और सही है, सबका पैसा बचता है, हमें ये तो गरीबों के लिए सही है। आप किसको धन्यवाद देना चाहती है इस पूरे सरकार? कौन है सर? योगी कार्यक्रम आप यहाँ पर कितने करेंगे और सबको बाहर कर रहे हैं? हमारे बुंदेलखंड में सामूहिक सम्मेलन हो रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ माननीय जो है मोदी प्रधानमंत्री जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि यहाँ सामूहिक सम्मेलन करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड बहुत सूखा है और बहुत गरीब लोग हैं यहाँ, इसलिए सभी जाति का सम्मेलन कराने का माननीय मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभारी हैं। किन परिस्थितियों से यहाँ का किसान आम आदमी जूझ रहा था? क्योंकि जहाँ बारिश हो नहीं रही, फसल हो नहीं रही, इसलिए हम लोग जो है हमारे पास ही जो है इतना गन्ना होने के कारण हम जो है समूह सम्मेलन के विवाह के तहत सम्मेलन में शादी कराने के क्या फायदे हैं? फायदा तो देखिए, फायदा तो इसमें हम लोग नहीं देखा है। इसमें आप क्या करो, नीचे कर लो, संगठन का यार नहीं है जी, मोबाइल दूर करो। जो हमारे
पूर्वज थे जिन्होंने पार्टी की स्थापना किया, आज जो पार्टी के संचालन कर रहे हैं, जो लोगों ने सोच दिया हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो आदरणीय मोदी जी योगी जी, उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सपना क्या था, गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी वनवासी गिरवासी शोषित वंचित दलित, ऐसे सभी लोगों का समाज में सम्मान मिलना चाहिए, भरपेट भोजन मिलना चाहिए, रहने को छत मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था उनका फ्री हो, फ्री में जूते मोजे कपड़े भोजन, इसी लक्ष्य को हम लेकर निकले हैं। और यही हम सबका सपना है कि संपूर्ण संगठन और संपूर्ण सरकार गरीबों की सेवा करना, ये हम सबका धर्म है और दायित्व है। आज उसी के तहत ये भी पंक्ति के अंतिम बेटियों का माननीय योगी जी ने सामूहिक विवाह पूरे राज्य के अंदर एक जो संकल्प लिया है, योजना बनाया कन्यादान का, कि हमारे प्रभारी मंत्री हमारे अधिकारीगण ये सब और जनप्रतिनिधि हर विवाह में समारोह में पहुंचकर कन्याओं का आशीर्वाद देना और उनको आशीर्वाद के माध्यम से आगे बढ़े और शादी में पूरी चिंता करना उनकी, ये पूरे राज्य के अंदर चल रहा। हमें लगता है कि हजारों के ऊपर, हमें लगता है लाखों तक न पहुंच जाए ऐसे राज्य के अंदर शादी समारोह। मैं यही सुना डीएम के माध्यम से जिला अधिकारी और प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि दो जगह है आज यहाँ शादी है और कबरी में, हमें लगता है 400 के आसपास से ही न शादियाँ, 431 शादियाँ। इसलिए मैं महोबा के पत्रकार मित्रों को भी, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस प्रकार का सामूहिक विवाह में सब लोग शामिल हुए और कन्या पक्ष को और वर पक्ष को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ माननीय योगी मोदी जी की तरफ से।